ना ओम टैपिंग करते हैं और अपने सब चक्रास को उजागर करते शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना टेन शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना टेन शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना टेन शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना टेन शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना टेन शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना टेन शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना टेन शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना टेन शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना टेन शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना टेन शुक्राना शुक्राना हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्राना हर श्वास का शुक्राना हर पल का शुक्राना हाथ थामने का शुक्राना हर पल अंग संग रहने का शुक्राना सिर पर हाथ रखने का शुक्राना हर पल हर मुसीबत से बचाने का शुक्राना गुरु आपका जितना शुक्राना करे उतना कम। मैं हर श्वास में तन से मन से धन से और संबंध से कुबेर के खजाने से भर चुकी हूँ। गुरु की शक्ति हर पल मेरे संग रहती है और मुझे हर मुसीबत से बचाती है। गुरु की शक्ति से
ये पृथ्वी माता पूरी हील हो चुकी, हील हो चुकी। शुक्राना शुक्राना प्रभु तेरा शुक्राना। अब हम 7 टाइम्स ओम का उच्चारण करें। हरिओम हरिओम शमा जी। हरिओम हरिओम शमा जी। हरिओम आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। शमा ने टैपिंग कराई। निर्जरा, शमा को बुला रहे थे आप? हाँ, आप थे नहीं तो आई थॉट शी विल शेयर समथिंग। ओके, शमा करिए कुछ शेयर। उनको आवाज नहीं आ रही आई गेस शमा को। हाँ, आई थिंक उनको आवाज ही नहीं जा रही है। या मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। मेरे गुरुदेव मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी। मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी। जैसे जैसे मन को झुकाना आता जाएगा, ये गुरुदेव ही सिखा सकते हैं। और यही बात का जब ज्ञात होता है कि हमें अपने मन को झुकाना है और किसी को जिंदगी भर झुकाने से कुछ नहीं मिलने वाला।
अकेले आए हैं, अकेले जाना है, और जितना इस मन पे अंकुश धारण करना आ जाएगा उतना ही विजय विजय और मोक्ष। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। धीमहि, धीमहि यानी धारण करना है। क्या धारण करना है, किस चीज को धारण करना है, कितना कुछ तो धारण किया जीवन में, पर सूर्य देवता की शक्ति को धारण करना है। वो जहां छोटी सी भी किरण पड़े और कितना भी विशाल अंधकार हो, कितना भी गहरे से गहरा अंधकार हो, थोड़ी सी किरण सूर्य देवता की आए और सब कुछ उज्जवल हो जाए। मुझे झुकना सिखा दो जी, ये है सबसे उज्जवल प्रकाश की किरण। मुझे झुकना सिखा दो, मुझे मरना सिखा दो, मुझे मिटना सिखा दो। ये जो मैं है ना, इस मैं की बकरी ने जगह जगह मेरी गर्दन कटवाई। मैं करते करते कितना अनमोल जीवन कौड़ियों के भाव खो दिया। किसी ने बोला कैसे मन की शांति मिले, बहुत टेंशन है। कि यंगस्टर ने पूछा किसी से, आपको क्या पता कितना स्ट्रेस है, कितना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, फ्यूचर कितना अनसर्टेन है, कैसे शांति आए। तो किसी ने बोला भाई थोड़ा सा मेडिटेशन करो, ध्यान करो। तो हंसने लग गया, बोले अरे अभी तो इतने यंग है, अभी ये तो सब बुजुर्गों का काम है, ये तो बूढ़ों का काम है, ये हमारा, हम क्या अभी, हमें तो कोई ऐसा रास्ता बताओ, हमें तो अभी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, अभी तो मैं बहुत यंग हूं। तो जो ज्ञानी सामने बैठे थे बोले यही तेरा भुलेखा है कि तू अभी यंग है, तुझे पता ही नहीं है तेरी असली उम्र क्या है। न जाने कितने जन्मों जन्मों से, कितने जन्म जी चुका, अभी तेरे को लगता है तू छोटा है, कितने और जन्म जिएगा। थोड़ा भीतर झांक, तब तुझे ज्ञात होगा कितने जन्मों के फेरे में तू फंसा है। न जाने तेरी कोई 50, 20, 30, 40, 80 साल की उम्र नहीं है, तेरी तो लाखों में उम्र है, और तू कह रहा है मैं अभी तक इतना छोटा हूं, अभी तो समय नहीं है। मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी। जब किसी की बात पे मन अशांत हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुरु मिल गया, हमें ज्ञान की एक बात पता लग गई, हमने बेसिक कोर्स कर लिया, हम हर एक टाइप का टूल सीख गए, पिंक एनर्जी भेजते हैं, सोलर प्लेक्स बंद करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर पल मन शांत ही रहता है। क्योंकि जीवन लहरों के समान है, आएगा जाएगा, कभी शांत होंगी, कभी उछलेंगी, कभी नीचे की तरफ होगी। जब भी मन अशांत हो जाए, जब भी कोई पीड़ा सताए, तो बस अपने अंदर ही अंदर बस यही दो लाइनें बार बार गानी है, और यही ऐसी स्थिरता में लाएंगी, क्योंकि असली दृश्य, असली सत्य का आभास यही करा सकते हैं कि स्क्रिप्ट तुम्हारी है। अभी भी तुम अपनी स्क्रिप्ट के आगे झुक नहीं रहे हो, अभी भी तुम्हें जो तुम्हारा मन बोल रहा है ना वो चाहिए, और मन जो बोल रहा है, मन तो इंद्रियों के अधीन है, और इस इंद्रियों ने तो कभी किसी को मुक्त होने ही नहीं दिया। तो इंद्रियों के जाल से मुक्त होना है, और किसी से मुक्त नहीं होना। कोई कहता है क्यों बनाया है भगवान ने ये जीवन,
बस हमें तो फटाफट ये बताओ रास्ता कि जल्दी जल्दी काम खत्म करें और बस मोक्ष। हर चना जल्दी में है, और किसी को बोल दो यमराज आ गए तो जाने को राजी नहीं है। वैसे जल्दी में बोल दो यमराज आ गए भी, दो दो को लेके जा, दो में से एक की को लेके जा सकता है, तुम्हें जल्दी थी तुम चले जाओ, तो नहीं जाएगा। थी मही धारण करना है, ग्रहण करना है, बहुत कुछ ग्रहण करते हैं, वैभव ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, संसार की सारी भौतिक संपदाएं ग्रहण करते हैं, और यही सोचते सोचते ग्रहण करते हैं, इससे पक्का आराम आ जाएगा। अब इससे पक्का आराम आ जाएगा, अब सब कुछ सेट हो जाएगा। जब तक ग्रहण करने की लाइन में खड़े हैं तब तक तृप्ति आ नहीं सकती। जब ग्रहण करने की बजाय सूर्य देवता की तरह अर्जित करना आ जाएगा, सबके जीवन में प्रकाश फैलाना आ जाएगा। हमारी बहुत प्रिय एंजल निर्जरा, उनके कल दादा इन लॉ का शरीर वैकुंठ की यात्रा के लिए प्रस्थान हुआ है, और इतने प्रेम से विदाई दी है उन सबने कि जब उनके सोल के साथ कनेक्टिविटी हो रही थी, जब ऊर्जा चेक कर रहे थे, जब पिंक पिंक एनर्जी भेज रहे थे उनको, तो ऐसा लग रहा था वो कह रहे हैं मुझसे ले लो, मेरे को तो बहुत सारी पिंक एनर्जी मिल चुकी, अब तो मैं देने लायक हो गया। इसको कहते हैं असली विदाई। विदाई का मतलब ये नहीं कि पकड़ के रखो, जब पूरी जिंदगी उस जने से तृप्त नहीं हुए तो अब वो जाते समय भी उसको के प्रति प्रेम दिखाकर क्या कर लेंगे। लेकिन असली विदाई है कि मन शांत, चित शांत, और प्रेम से उनको पिंक एनर्जी भेजते जाएं, बिल्कुल स्थिरता में, कि परमात्मा ने जो भी जिस समय निश्चित किया सबका मंगल सबका कल्याण। इतने आनंद में वो सोल गई है, इतना आनंद कि मानो वो सारी प्रकृति को अपनी पिंक एनर्जी से भर सकती, क्योंकि उस समय जितने भी घर में प्राणी थे वो एक्सेप्टेंस में थे। नहीं तो कोई कितनी भी उम्र में चला जाए, ऐसा नहीं होता कि घर में विलाप ना हो या दुख ना हो, यही कह देते हैं कि हाँ जाना तो था पर कुछ समय और। और एक लाइन जो बहुत कि माँ बाप का साया सिर पे होता है ना, तो एक अलग ही बात होती है। किसी ना किसी प्रकार से अपनी इच्छा जाहिर कर ही देते हैं कि काश थोड़ा और समय मिल जाता, और वो काश उस सोल की यात्रा को अतृप्ति की ओर ले जाती है, कहीं ना कहीं जैसे उसका कार्य पूरा ना हुआ। बहुत सुंदर विदाई थी। तो हम सब 2 मिनट पहले आंख बंद करके उस सोल को प्रणाम करेंगे, क्योंकि बहुत दिवंगत आत्मा गई है और बहुत ऊर्जा से भरी हुई, तो हम सब भी उनको पिंक एनर्जी भेजेंगे, पर आप लोग महसूस करेंगे, आप लोग भेजने की कोशिश करेंगे और आप लोग रिसीव कर रहे होंगे, या आप लोग स्वयं आज अनुभव करिएगा। तो सब लोग आंख बंद करेंगे और गहरी सांस लेंगे। हे गुरु, हे परमात्मा, आज आपको साक्षी मानकर हम प्रार्थना करते कि जो भी दिवंगत आत्माएं वैकुंठ की तरफ प्रस्थान कर चुकी, उनको हर एक प्रकार से हमारे हृदय से पिंक एनर्जी यानी गुलाबी 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 शब्द महसूस करें। आपके हृदय में कमल का फूल खिल चुका है और बहुत गुलाबी रंग का, जिसे गुलाल हो, वो अंतरिक्ष की ओर जाता जा रहा है। और देखिए कितना प्रकाश है आज अंतरिक्ष में, कितना सुनहरा प्रकाश, और भेजिए उधर वो गुलाबी एनर्जी। हे गुरुदेव,
आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने हमें इन शक्तियों का आभास कराया। हम सब आए हैं और हम सब ने यूं ही चले जाना है। आज इस शक्ति को इस पूरे ब्रह्मांड में बिखेर दीजिए, जो हमारे हृदय द्वारा वैकुंठ की ओर जाती जा रही है। और ध्यान से देखिए सब लोग कैसे वैकुंठ के ब्राइट से विशाल रतन जड़ित द्वार खुले हुए और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। और वो ज्योत स्वरूप आत्माएं, वो जो परम की शक्ति प्राप्त कर चुकी कितनी सौम्यता से, कितनी शांति से, कितने आनंद के साथ बैकुंठ में प्रवेश कर रही, और मानो बैकुंठ जगमगा गया उनके प्रवेश करने से। और कितने आनंद के साथ वो हम सबको अपनी एनर्जी से भर रहे। महसूस करिए जैसे पूरी धरती पे वर्षा हो रही है उनके आशीर्वाद की। महसूस करिए उनकी ब्लेसिंग्स को, आशीर्वाद को। और जैसे जैसे ये वर्षा, ये कृपा की वर्षा हमारे अणु अणु पे बरसती जा रही है, हमारा मन शांत और ज्ञान से भरपूर होता जा रहा है। जागृति जागृति और जागृति। हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे सब जीवात्माओं को, परमात्माओं को। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबका मंगल, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। और देखिए अब वो प्रकाश अंतरिक्ष में लुप्त हो चुका है। शुक्राना शुक्राना। हृदय से माफी मांगते हैं जाने अनजाने किसी को भी कष्ट पहुंचाया, और माफ करते हैं यदि हमें किसी ने भी कष्ट पहुंचाया। माता पिता को, गुरु को, बच्चों को, समस्त सृष्टि को प्रणाम करते। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाथों को रब करेंगे और बड़े प्रेम से उस आशीर्वाद को, उस वर्षा को महसूस करते हुए शरीर पर मस लेंगे। अच्छी करनी कर ले प्यारे, काम न करियो काला। अच्छी करनी कर ले प्यारे, काम न करियो काला। लाख आँख से देख रहा वो तुझको देखने वाला, लाख आँख से देख रहा हो तुझको देखने वाला। कर ले अब तू नेक कमाई, कर ले अब तू नेक कमाई, समय बीतता जाता। कर ले अब तू नेक कमाई, समय बीतता जाता। जैसे जैसा कर्म करे
वैसा ही फल पाता, हाँ जैसा जैसा कर्म करे। कभी ना समझे बहुत समय है, हर पल को ऐसे ही जिए, न जाने अगला पल है या नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, इसलिए धीम ही यानी ग्रहण करें। लेकिन ग्रहण करना क्या है? और जितनी भी चीजें हमने ग्रहण करी, उनसे कभी भी परमानेंट आनंद नहीं आने वाला, स्थायी आनंद नहीं आने वाला, क्षणिक आनंद आएगा, क्षणिक शांति आएगी, क्षणिक मन को आराम मिलेगा। यदि आनंद आएगा तो केवल और केवल ज्ञान और विवेक के उदय होने से। जब जान जाएंगे कुछ नहीं त्यागना, कुछ नहीं देना, कुछ नहीं छोड़ना, केवल मानना है मेरा कुछ है ही नहीं, जो मिला है उसकी कृपा से मिला है, कितने समय के लिए मिला है, क्यों मिला है, कब तक है पता नहीं, इसलिए जितने समय मिला है उसका पूर्ण रूप से आदर सम्मान के साथ उसका सही उपयोग कर लें, सदउपयोग। पता नहीं लगता कोई चीज मिलती है और उसका हम कब दुरुपयोग कर जाते हैं। धीम ही मतलब वो जोत, वो शक्ति जो आपको बताए सत्य क्या है, सत चित और आनंद। धियो, धियो का मतलब जो हमें हमेशा सत बुद्धि की ओर प्रेरित करे। हर चीज सामने खुली हुई है, उसी में से आप सदबुद्धि चुन सकते हैं, उसी में से आप दुर्बुद्धि चुन सकते हैं। सब में सब कुछ व्याप्त है, कोई चीज टोटल सात्विक है ही नहीं और कोई चीज टोटल नास्तिक है ही नहीं। हर चीज में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों हैं। आपने कौन से गुण को जागृत कर लिया, जैसे ही आप उस गुण को जागृत करेंगे बाकी के दो गुण अपने आप हल्के पड़ते चले जाएंगे। हर चीज में परम ने चॉइस हमारे ही हाथ में दिया है। अब जरा सा किसी का पैर फिसला, पैर फिसला तो कितनी जल्दी इल्जाम दे दिया, उफ़ ये चप्पल कितनी बेकार है, देखो इसकी वजह से मैं फिसल गई। ये नेचुरल चीज है, पैर फिसला और चप्पल को बोला उफ बड़ी बेकार चप्पल है, देखो मैं फिसल गई। और वो जो महीनों महीनों सालों सालों उसने हमें तपती धूप से गर्म जमीन से बचाया, कितने कितने आराम दिए, वो याद नहीं है, वो एक फिसलन याद है, उसके लिए उसको कर्ज कर दिया। ज्ञान ऐसा जो हमें हर चीज के प्रति श्रद्धा था, भाव, शुक्राना, और जितना शुक्राना, जो भी चीज को हम छुएं, जो भी चीज को हम इस्तेमाल करें, जो भी चीज को हम देखें, बस शुक्राना। क्योंकि हर चीज का औरा है, हर चीज का आभा मंडल है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है। गुरु के मिलने से पहले पता ही नहीं था कि इन सब चीजों को भी दर्द होता है, या ये चीजें भी हमें दुआ दे सकती। सोचते थे बस जिसमें प्राण है वही दुआ दे सकते हैं, पर ये सब हमारी साथी है। कोई भी चीज को हाथ लगाए प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से, सुजागी से, बस गुरु यही बदलता है। और ऐसा बदलता है कि ऐसा सुंदर नजरिया, वही लोग, वही स्थिति, सब कुछ वही, पर जीवन बदल जाता है। कैसे बदलता है? कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया। कश्ती यानी ये जीवन, कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया। पहले तलाश करी, अरे भाई बच्चे के मार्क्स आ जाएंगे ना फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा, काम में ये प्रॉफिट हो जाएगा ना फिर बहुत बढ़िया, वो मुझे इज्जत दे देगा ना फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा, वो मुझे प्यार दे देगा ना फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा।
पर गुरु ने हमारी तलाश ही बदल दी। जिन चीजों को सोचते थे मिलेंगे तो बढ़िया हो जाएगा, अब उन चीजों की तलाश ही छूट गई। मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया, ना शक्ल बदली ना बदला मेरा किरदार। कुछ नहीं बदला, कोई मुझसे मिलता है तो मैं तो वैसी की वैसी, वही शक्ल, वही घर, वही लोग, वही स्थिति। ना मैं बदली, ना मेरी शक्ल, ना मेरा किरदार, बस लोगों के देखने का नजरिया ही बदल गया। तो जो हम ज्ञान आता है, जब कोई अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर आता है, बड़ी डिटेल में डिस्कस करता है, पहले तो कोशिश करते रहते हैं कि एंजल्स को बोलते हैं एंजल से बात करो सब हीलिंग हो जाएगी, फिर भी उन्हें लगता रहता है कि नहीं प्लीज दीदी से बात करा दो। गलत नहीं है, मैं प्रणाम करती हूँ उन सब जीवात्माओं को जिनके अंदर बैठा गुरु बात करने को मुझे ही ब्लेस करके जाता है। लेकिन आप बातें कितनी भी बता दें, स्थितियां कितनी भी डिटेल में समझा दें, उनके बदलने से शांति आने वाली नहीं। जब तक नजरिया नहीं बदलेगा, जब तक हमारा किरदार वैसा नहीं हो जाएगा कि फिसले और चप्पल को ब्लेस किया, शुक्राना आज पता लगा, तू तो आज फिसली है, कितने समय से तूने संभाला हुआ था, फिसलते हैं तो कितनी चोट लगती है, शुक्राना तूने इतने समय से संभाला हुआ था। तो शुक्राना की जब हमारी खोज, जब हमारी भूख शुक्राना करने की बढ़ जाएगी, शिकायत तो अपने आप लुप्त हो जाएगी। अभी तक तो कोई मौका चूकते नहीं शिकायत का, चाहे वो परमात्मा से हो, चाहे वो घर वालों से हो, चाहे वो स्वयं से ही हो, स्वयं से भी कोई शिकायत नहीं। ये हुआ ठीक है, मुझसे गलत हुआ, आगे के लिए सुजागी। ये नहीं कि डिप्रेशन में ही चले गए, कॉम्प्लेक्स में ही चले गए, इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ले आए, नहीं। उस वक्त क्या ग्रहण करना है, धीम ही क्या ग्रहण करना है, वो जो मुझे स्थिर रखे, वो जो मुझे बताए कि जन्म लिया है ना तो मुझे कुछ ना कुछ हर पल निखरना है। क्या हो गया गलत हो गया, तो गलत तो कुछ होता ही नहीं, हर चीज कुछ सिखाने आती है, अगली बार ध्यान रखना है कि मुझसे ऐसा हो ना। बस जब तक हम सीखने वाले बने रहेंगे तब तक गुरु की कृपा किसी ना किसी रूप में हम पर बनी ही रहेगी। बस हमारी वो खिड़की खुली होनी चाहिए कि हमने और सीखना है, और अध्ययन करना है, और मेहनत करनी है। जरा अनम्यूट करें सोनिया मनोचा जी को। हाँ जी बाबू, सोनिया जी प्लीज अनम्यूट करें। सोनिया मनोचा जी प्लीज अनम्यूट करिए, आपको करना है। भाभी वो है नहीं वहां पे अभी। नहीं है? ओके ओके हर्षु खन्ना, हाँ जी अगर आप लोग अनम्यूट हुए हुए हैं पहले तो प्लीज दूसरे को चांस दीजिएगा। आई थिंक ये हुए हैं हर्षु जी। हरिओम हाँ नाम से। हरिओम हरिओम। हर्षु आपको अनम्यूट किया था पहले, शुक्राना दीदी, शुक्राना बहुत देर शुक्राना। पहले किया था दी, अच्छा अच्छा चलो तो अब आई तो नौ हो गए जाएगी। आपके दर्शन हुए। अच्छा और कैसे हो आप? हाँ मैं जी, तो और आपका बढ़िया हूँ, आप बहुत बताइए। चेंज, लाइफ में बहुत चेंज आया है, बहुत ज्यादा, जैसे बहुत कि ज्यादा। जैसे आवाज बॉडी में थोड़ी कई सी बार तेज पेन। करें। हाँ जी, अब आ हाँ रही है ठीक है, आवाज? मेरी तरफ से कम थी। हाँ हाँ बाय। जी, जैसे बॉडी में पेन होता था, अब सूर्य नमस्कार भी कर लेते हैं, पहले तो रेगुलर कर रही थी, अभी एवरी सैटरडे मैंने किया है, कभी मिस नहीं किया।
बट बीच में अपने खुद में मिस हो जाते, मैं कर रही हूँ क्यों खुद में मिस हो तो जाता है? आज मिस हो गई सूर्य देवता बोले मेरा मिस हो गया, आज चांद से मिलने चला गया। नहीं मैं जल जल भी चढ़ाती हूँ, मैं उनको सब कुछ करती हूँ। एक मिनट। तो और कल भी मेरा बेटा बाहर गया हुआ था और जब बेटा आपको पता है रस कितना किसान किया हुआ जाम, तो मैं रात को गुरु से देखती रही, वो रात को ठीक ठाक पहुंचा, गार भी थोड़ी सी वो हो गई थी। अच्छा आपकी आवाज बहुत शुक्राना हो गुरु जी का बहुत ज्यादा। चलिए गुड, वेरी गुड। आपका थोड़ा सा मेरे ख्याल से। हेलो हाँ हेलो हेलो कोई बात हेलो ठीक है अब ठीक है। हेलो मैं एक बारी म्यूट कर दूँ क्योंकि आपकी आवाज ना वो हो रही है। बहुत ब्यूटीफुल शेयरिंग करी है हर्षु ने कि शरीर से दर्द चले गए। मैक्सिमम दर्द शरीर में है हमारी शिकायतों की वजह से। शरीर में दर्द रहने का मतलब नहीं है कोई, शरीर में इतनी सेल्फ हीलिंग पावर्स हैं कि दर्द रह नहीं सकता। जब मन में से कोई बात नहीं जाती तो शरीर को पीड़ा झेलनी पड़ती है और वो इंडिकेशन है, वो एक तरीके से वो सायरन है, वो एक नॉकिंग है, वो एक रिमाइंडर है। जैसे हम रिमाइंडर लगाते हैं ना फोन में, वो रिमाइंडर है बॉडी का हमें, अरे प्लीज इसको भी माफ कर दे, चल इस सिचुएशन को भी लेट गो कर दे, इसको भी छोड़ दो, ये तुम्हारी अपनी स्क्रिप्ट की वजह से आई है। दैट इज अ रिमाइंडर। तो जो भी हर्षु ने शेयर किया कि शरीर से बहुत दर्द चले गए या बेटे का जो बता रही थी वो गए हुए थे, तो वैसे तो आप लोगों ने सबने शेयरिंग बहुत बढ़ा दी है, पर कोई भी ऐसे छोटे से छोटा एपिसोड होता है तुरंत लिखिए। अभी ही एक के साथ हुआ कि किसी ने शेयरिंग करी थी कोई, और उसी दिन वैसी ही कोई प्रॉब्लम किसी ने कोई अपनी स्थिति शेयर करी, और उसको मैंने जैसे ही वो मैंने कहा अभी मैं कुछ नहीं समझा रही हूँ, कोई बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ तुम्हें दो शेयरिंग्स भेज रही हूँ। और आप बिलीव करेंगे उनका क्या मेरे पास मैसेज आया, उन शेयरिंग के बेस पे हमारी वो चीज अपने आप ही ठीक हो गई, एंड दैट वाज अ स्किन प्रॉब्लम। क्योंकि वो जो शेयरिंग लाइव ने उनके अंदर जो एक विश्वास जो फेथ, क्योंकि काम तो स्वयं है और जितना होगा भाव जितना होगा विश्वास उतना ही होगा, और जो शेयर कर रहे हैं उसको तो पता नहीं कितनी ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं, इतनी ब्लेसिंग मिल जाती हैं, मुझे ये समझ नहीं आता कि हम ब्लेसिंग लेने में माइजर कैसे हो सकते हैं। छोटे छोटे चेंजेस ऐसे समझते हैं ये तो छोटा सा चेंज है, जब तक था शरीर में दर्द तो सोचिए कितना बड़ा था प्रॉब्लम। कभी कॉम्बी फ्लेम, कभी डोलो, कभी पता नहीं कौन सी पेन किलर्स खाते रहते हैं। बट स्माइल में आने के बाद, स्माइल नहीं अपनी स्वयं की जागृति के बाद, ये तो सब लोग महसूस करेंगे कि दवाइयों से वाकई ही मुक्ति मिली है। किस किस ने अनुभव किया कि दवाइयां जीवन में कम हुई हैं? अंगूठा दिखाई। यस यस वेरी गुड वेरी गुड। ज्यादा मत दिखाइए भाई, कहीं दवाई वाले हमसे कहीं कहेंगे आप लोगों ने तो हमारा काम ही खराब कर दिया। करिए जरा ये उमा गोयनका जी को करा था क्या इनको अनम्यूट पहले? नाम से तो लग रहा है अभी। अब मैं कर देती हूँ। कर दीजिए उमा जी, प्लीज अनम्यूट करें। हरिओम 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 हरिओम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कैन यू हियर मी? आई कैन हियर यू। कैन यू हियर मी? या वी कैन हियर यू। थोड़ा सा आपका फेस नहीं आ रहा स्क्रीन में। आई वांट टू सी यू। या नाउ इट्स ओके। आई वांटेड टू शेयर दिस बिकॉज़ यू सेड स्किन प्रॉब्लम। तो मेरी जेठा मतलब माय सिस्टर इन लॉ की डॉटर, उसको ये स्किन प्रॉब्लम थी सेम जो शेयरिंग आई थी। उसके इधर क्रैक्स थे और उसको बहुत दर्द होता, टच होता था। तो मैंने उसको बोला कुछ तो तूने रखा है, आपने सुजागी दी थी कि ऐसे ऐसे होता है। मैंने बोला तूने कुछ होल्ड कर रखा है। बोली नहीं चाची,
मैंने बोला नहीं, समथिंग इज देयर व्हिच इज ट्रबलिंग यू एंड यू हैव नॉट गॉट ओवर इट. फिर बोली हाँ हो सकता है. मैं बोली तो अपनी मदर इन लॉ से माफी मांग, उसे मांग होकर पिंक एनर्जी उसको बहुत दी. तो जब मैं पिंक एनर्जी दी तो मेरे सामने उसका फेस आता. जैसे उसका ठीक हुआ मैं बोली क्या बात है आजकल फेस नहीं आता तेरा, तो बोलती चाची मेरा ठीक हो गया एकदम इसलिए. तो पूरी स्किन निकल गई और वो पूरा ठीक हो गया उसका क्रैक्स और सब एवरीथिंग. और एक मेरे सेवाधारी हैं जो आती हैं, तो उसके बहुत उसको भी स्किन प्रॉब्लम थी, खाज करती रहती थी खाज करती रहती थी. तो मैंने बोला एक करोगी काम, तुलसा मेडिटेशन में देती हूँ तो तुम नहीं अगर सुन सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुम खाली ये मंत्र कर लो ओम तुम तुलसाए नमः. तो बोली हाँ भाभी करूंगी करूंगी. तो बोली कि 75% ठीक हो गया भाभी अभी आई. थैंक यू मैं सबको बोलती हूँ मेरी बेटियों को कि ये करो ये करो ये करो. ऐसे करते करते जैसे आई ट्राई कि भाई मैं चलो किसी का भला हो, आपने इतना सिखाया है तो उसको यूज आए करके. तो मैं उनको बोलती हूँ कि करो करो करो, मेरे को गुरु ने सिखाया आप भी करो. बांटते ही जाओ. वेरी नाइस वेरी नाइस उमा, वेरी नाइस एक्सेलेंट. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. तुम निहामे जनम दिया पालन कर रहा है तू, तुझसे ही प्राण पाकर हम मांगे हैं तेरी दुआ. तेरा विशाल तेज है छाया हुआ सभी जगह, ईश्वर हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला, श्रेष्ठ मार्ग पर चला. किसी को दुख में देखो, किसी को पीड़ा में देखो, ध्यान लगाओ गुरुदेव से, प्रार्थना करो हे गुरुदेव इसे कौन सा टूल सिखाऊं, इसे कौन सी ऐसी जागृति दूं जिससे इसकी पीड़ा दूर हो जाए. और यही है धीमहि धियो यौन, यौन मतलब जो प्रकृति से हमें मिला है, बहुत कुछ मिला है, उसको हमने अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए तो बहुत इस्तेमाल किया, लेकिन जब हमें उसको देना आ जाएगा, बांटना आ जाएगा, तब हमारे अंदर की शक्तियां अपने आप प्रकाश से भरने लग जाएंगी. इतनी ज्यादा विशालता आ जाएगी शक्तियों में कि हम रह ही नहीं पाएंगे किसी को मदद किए बिना. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया. यो न मतलब जिसको देना आ जाए, प्रकृति को बांटना आ जाए, खाली अपने सुख अपने घर अपने बच्चे अपनी रहनी से बाहर. और वही सही में जाने का, जो ब्रह्मांडे सोही पिंडे और जो पिंडे सोही ब्रह्मांडे, कि मेरा ही स्वरूप है सब जगह छाया हुआ. वो अंश मैं देखने योग्य तभी बनूंगी जब मेरे अंदर विवेक जागृत होगा, जब मुझे देना आएगा. जिंदगी जब हंसाती है, जब मेरे मन की पूरी करती है, तो समझो अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है. और वो अच्छे कर्म हमने पिछले जन्म में किए या उससे पिछले में या उससे पिछले में किए नहीं पता. और जिंदगी जब रुलाए तब समझ लेना अच्छे कर्म करने का समय आ गया. और ज्यादा अच्छे कर्म तो उदास नहीं होना, सुस्त नहीं होना. और अगर हम देखें, कई लोग का शेयरिंग जब होती है या कोई फोन आता है कि आपने बोला था कि पिंक एनर्जी करो 21 डेज और ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तो हुआ नहीं. 21 डेज तो हमें हो गए, किन किन पे करते हैं,
किसे एक एक दिन गिन गिन के करते हैं। अरे 21 डेज में नहीं हुआ तो आपके ऊपर और परम की कृपा है कि अभी किस दिन और करने को मिलेगा आपको। आपकी आपके ऊपर कितनी बख्शिश है कि और परम से जुड़ने का मौका मिल रहा है। यदि वो चीज ठीक नहीं हुई तो आप कितने ध्यान केंद्रित होके वो साधना करते हो। अगर कोई पीड़ा नहीं है तो उतने ध्यान से नहीं करते हो। जब कुछ चाहिए, जब कोई बच्चों के लिए कोई चीज ठीक करनी है, किसी का कोई बच्चा नहीं हो रहा, किसी के मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, किसी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, मतलब मल्टीपल जहां कोई ऐसी स्थिति है जो मुझे पीड़ा दे रही है, तब जब हम साधना करते हैं ना, तो जैसे एक भूखा होता है ना, एक प्यासा, किसी प्यासे को 2 दिन के प्यासे को आप थोड़ा सा जल दे दो, उसे पिएगा जैसे पता नहीं अमृत मिल रहा है उसे। तो जब पीड़ा आए तब समझे हे परमात्मा तेरा कितना शुक्र है, मेरा अच्छा कर्म करने का समय और आ गया। किसी भी स्थिति में उदासी को तो हम चयन कर ही नहीं सकते। कर्म योगी है, कर्म योगी ही जन्म लिया और कर्म योगी ही हमने शरीर को त्यागना है। सबसे ज्यादा ध्यान परम के दरबार में सब लोगों का खाता, अपने खाते की तरफ पूरा ध्यान रखना है। कहीं पता लगे दूध वाले का, सब्जी वाले का, प्रेस वाले का हिसाब करते करते ही चले गए। सबसे जरूरी हिसाब है वो जो लाख आंखों से हमारा हिसाब रख रहा है। जैसा जैसा कर्म करें वैसा ही फल पाता, जैसा जैसा कर्म करें वैसा ही फल पाता। जरा अमन को करें तो अनम्यूट। अमन एक क्वेश्चन आया है। क्या कुछ द मेंबर इन द सेशन एनोनिमस दे टोल्ड मी नॉट टू मेंशन, ही सेड कि मुझे हमेशा अपनी चेस्ट में बहुत भारीपन और पेन रहता है। मतलब ही सेड कि मैंने अपना शुगर बीपी सब कुछ चेक करा लिया है, कोई इश्यू नहीं है, बट ऐसा लगता है जैसे आई एम हैविंग अ लाइक अ हार्ट अटैक, इट्स वेरी पेनफुल और वो हर पल रहता है। सो व्हाट कैन ही डू। अच्छा नाम एनोनिमस है। हाँ ही सेड राइट। सो इनको तो बोलो बस ये 11 दिन फॉरगिवनेस वाली मेडिटेशन कर लें, जो फॉरगिवनेस है ना, कितना वजन लेकर चल रहे हैं तो बेचारा हार्ट का तो क्या होगा ना, वजन तो आएगा ही। जरूरी नहीं है कि इस जन्म में हमने कोई शिकायत, कितनी बार जाने अनजाने हमें नहीं पता होता। अपने घर में देखिए, किसी बच्चे को बिल्कुल घर में रहना, बंद रहना पसंद होगा, किसी को चाहे कोविड हो चाहे कुछ हो, उसको तो बाहर जाकर ही शांति मिलेगी। सबके अपने अपने, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को जल से डर लगता है, किसी को एरोप्लेन से डर लगता है, क्योंकि ये सब हमारे पूर्व जन्मों की गतिविधियां हैं, उनके जो कर्म हमारे आगे आए हैं, उनकी जो प्रारब्ध हम लेकर आए हैं, उनके हिसाब से ही हमारी स्वभाव, स्वयं का भाव हमारा जागृत रहता है। तो यदि ऐसे हृदय में है तो 200% थोड़े दिन फॉरगिवनेस वाली मेडिटेशन, जिसमें निर्जरा गुरु लेकर जाते हैं ना अलग अलग जनों से मिलने, हाँ जी, या वो वाली देना इनको। ठीक है मैम, ठीक है। और फिर बोलना कि बताएं जरूर कितना रिजल्ट आया, अनोनिमस ही बता दें। वी विल जस्ट रीड आउट द एक्सपीरियंस, वी विल नॉट नेम इट। लेकिन थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हृदय भारी हैं भाई, आपके क्वेश्चन ने बहुत लोगों के हृदय लाइट करा देने। ठीक है, अमर हृदय जो लगातार दिल धड़कता है, 1 सेकंड भी नहीं रुकता। थकना तो उसको चाहिए बेचारे को, जो हर वक्त ब्लड, गैलन्स ऑफ ब्लड पूरे दिन पंप कर रहा है, वो बेचारा कुछ नहीं कहता। और हमारे विचार कितना थकाए रखते हैं उसको, वो अपना काम पूर्ण रूप से करता है। अगर लो बीपी है तो हम बहुत बोझा लेकर चले, माफ नहीं कर पा रहे। अगर हाई बीपी है तो हमें दूसरों के अंदर गलतियां बहुत ज्यादा नजर आती हैं, बात बात पर हमारा खून खौलता है, तो हाई बीपी है। दिस इज ऑल हमारे विचारों के हिसाब से, हमारे अंदर जितने भी अंग काम कर रहे हैं उनके काम में हम रुकावट पैदा करते हैं, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। इसलिए जो सुबह जब प्राणायाम होता है,
जब हम साधना करते हैं उससे पहले जो प्राणों का आयाम करते हैं उसी से सबको इतने रोगों से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि उस समय इतनी विशाल शक्ति होती है पूरे के पूरे भूमंडल में, और उसको हम ग्रहण करते हैं और अपनी जो ऊर्जा जो रुकी हुई है जो स्टैग्नेंट है उसको हम रिलीज कर देते हैं। अमन को करिए जरा अनम्यूट। हाँ जी, हरिओम अमन जी। हरिओम भाभी, हरिओम भाभी जी कहाँ से हैं अमन? मैं अंबाला कैंट से। अच्छा, अंबाला कैंट से। ठीक है, कब से ज्वाइन किया? जब से आपका बेसिक कोर्स स्टार्ट हुआ है तो तब से मैंने ये स्टार्ट करा है। 31 सितंबर से आपने करा था तो अच्छा। तब से मैंने कर देख रही हूँ आपका सारा। हाँ जी, देख तो लिया, अब ग्रहण तो ग्रहण का भाभी ये है कि मैं पिंक एनर्जी करती हूँ। आपने जैसे बोला है कि हीलिंग भेजनी है सबको, अभी वो भी कर रही हूँ। अभी 3-4 दिन से वही आ रहा है कि थोड़ी नेगेटिविटी आ रही थी तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज फिर मैंने मतलब वो करा है, सुबह उठ करके मेडिटेशन करी है सुबह वाली। तो ऐसे होते है कि 3-4 दिन तो मैं उठ जाती हूँ सुबह, लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है कि फिर सुबह उठा नहीं जाता। और आपने जो बताया था कि सोलर, बोलो बोलो आप बोलो। हाँ जी बोलो, आप बोलो। तो बोलो। जैसे आपने बताया था कि कुछ भी करने का सोचती हूँ ना तो वो हो नहीं पाता, मुझे खुद को मतलब कंफ्यूजन हो जाती है कि पता नहीं मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन पिंक एनर्जी और हीलिंग तो मैं करती हूँ, और सुबह का भी मेडिटेशन मतलब कोशिश मेरी होती है कि मैं जरूर उठ करके करूँ। अब जैसे लास्ट वीक भी 3 3 दिन उठी हूँ, फिर उसके बाद फिर मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कोई हो जाता है कोई कि अमन कोई फर्क लगा हो हाँ सेशन? हाँ हाँ जी भाभी, मैं वही बताना चाहती हूँ। हाँ जी, जब मैंने पहले दिन आपका मतलब मेरे को पता लगा था ना कि आपने बेसिक कोर्स स्टार्ट करना है, तो मतलब आप यकीन नहीं करोगे उस दिन मैं सारा दिन इतनी खुश कि आज तो बेसिक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आज तो पहला दिन है। और आप मानोगे नहीं कि मेरे घुटनों में इतना दर्द होता था ना कि मेरे से बैठा नहीं जाता था। और उस दिन फर्स्ट 3 डेज तो मैं बेड पे बैठ के ही मैंने करा, लेकिन मुझे पता ही नहीं लगा जब हमने पहले दिन हम घुटनों का दर्द था वो खत्म हो गया। और मतलब मुझे खुद को ही नहीं पता लग रहा था कि हो क्या गया, इतना जादू पहले दिन ही हो गया, इतनी एनर्जी आ गई कि अब मैं उस दिन के बाद आपने बोला था कि आपने नीचे बैठ करके करना है सपने जो कम एज के, मैं उस दिन के बाद भाभी नीचे बैठ करके सुनती हूँ आपका सेशन, सुबह भी शाम को भी मेरे घुटनों में कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा गुस्सा बहुत कम हो गया है। बस ये है कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहती हूँ कि हाँ ये मैं सोलर प्लेक्स बंद करना है या वो शील्ड बनानी है, उसके पीछे मुझे थोड़ा होता है। और एक सुबह का मुझे है कि मैं कुछ दिन उठ जाती हूँ फिर उसके बाद फिर हो जाती हूँ। सूर्य नमस्कार भी करा मैंने, वो भी कर अच्छा। लेती हूँ अब, लेकिन अभी छुटा हुआ है वो भी। मेरा बेटा भी करता है मेरे साथ, उसको तो आता है। तो छूटने क्यों देते हो ना छूट, मतलब खुद आप बोल रहे हो फर्स्ट डे मैजिक हो गया, घुटनों में से दर्द गायब हो गया। अरे कितने पैसे खर्चने पड़ते, दान करो वो पैसे जो इलाज सही में बात। खर्चने पड़ते। ओके, दूसरी चीज खुद बोल रहे हो कि अब गुस्सा मैं गया है ना, तो आपने शेयरिंग करी, शेयरिंग नहीं करी तो फिर आगे तो रुकावट। यही यही सबसे बड़ी गलती हुई ना भाभी। आप हमेशा बोलते हो कि आप शेयरिंग करो शेयरिंग करो शेयरिंग करो, बस वही आपको बता रही हूँ कि कंफ्यूज रहती हूँ कि करूँ क्या। अभी भी आपने देखो जैसे ही मेरा नाम बोला मेरा दिल इतनी जोर के धड़कना शुरू हो गया ना, मेरा हाथ पैर ठंड, अभी भी मैं कांप रही हूँ अभी भी मैं कांप रही हूँ आंखों में, मेरे को ये रोके हक्का। रोज सोचती थी कि सबको करते हो, मुझे पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा मेरा। अभी भी मैं बड़े ध्यान से आपका सुन रही थी, आपने एकदम से मेरा नाम ले लिया अमन। मैंने कहा मेरा ही नहीं है, किसी और का लिया। फिर मैंने अमन देखा नहीं, मैंने कहा। और भाभी उसके लिए भी शुक्राना कि हाँ जी हाँ जी बोलो हाँ जी। तो आपने जो डायरी का भी वो बोल रहा था तो वो भी मैंने ही मैसेज करा था, मेरा छूट गया था वो, गलती से डिलीट हो गया था। कि मैंने एंजल को मैसेज किया था कि आप प्लीज अगर कोई बात कोई करवा सकते कोई बात हो तो करवा दो। और फिर आपने नेक्स्ट डे आपने नहीं
आवाज ना बहुत कट हो रही है अमन, आपकी वीडियो चाहिए, मैंने आपको एक बारी म्यूट करा है क्योंकि टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है और आपका नेट वीक लग रहा है मुझे। अमन नाम को समझे, अमन जहां शांति की गंगा भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं है आज से, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ आपका, आपको इतना धारण, जब पहले दिन मेरे घुटनों का दर्द गायब हो गया। हाँ किसी और को बताओगे तो सोचेंगे पता नहीं कौन सी विभूति वगैरह देती है वो सेशन में, जो ऐसे कुछ हो जाता है जादू। सोचिए जरा, हमारे अंदर का विश्वास, अंदर की शक्ति, तभी बोलते हैं जो सेशन में बैठे कैमरा ऑन करके एकदम पूरा फोकस करके, और सबसे ज्यादा ध्यान अपनी मेरुदंड पे, मतलब स्पाइन पर, क्योंकि उधर ही एनर्जी भेजनी है। हमारे जितने संचित कर्म है वो सुषुम्ना नाड़ी में है। सुषुम्ना नाड़ी में आप किसी भी वाटर पाइप, कोई भी अपने गार्डन में पाइप खोल के देख लें, कितना ही तेज पानी आ रहा हो, अगर पाइप बीच में मुड़ी हुई है वो पानी निकल नहीं सकता पाइप से। जिस समय हम स्माइल सेशन में बैठ रहे हैं उस समय अपने मेरुदंड से प्रार्थना करके बैठें कि प्लीज 1 घंटा गुरु की कृपा को पूरा अंदर बहने देना, हम सीधे रहें, हम सुजाग रहें। ये चीज बार बार ध्यान देनी पड़ेगी और थोड़े दिन में आपको लगेगा जैसे आप 10 साल यंग हो गए। अगर मेरे से रिटर्न लिखवा लीजिए, अगर आप 3 दिन के सेशन, चाहे अभी हो रहे हैं, अगर 3ों दिन के सेशन में आप चौकड़ी मारकर और अपनी स्पाइन पर ध्यान रखते हैं कि हमारी सीधी है, आप खुद कहेंगे कि आपके शरीर में थकावट नाम की कोई चीज ही नहीं है, आपको टेंशन होती ही नहीं है, आपको कोई घबराहट होती नहीं है, बिकॉज वो डायरेक्टली वहां जा पाएगी ऊर्जा जहां हम भेजना चाह रहे हैं। जब शुरू में टैपिंग भी हो रही थी तो मैं देख रही थी कुछ जने ऐसे बैठे थे, तो लग रहा था हे परमात्मा, ऐसी भी विडंबना होती है कि आप अमृत की वर्षा कर रहे हो और कोई पाथरी उल्टा उल्टा करके बैठ जाए, कि मुझे तो डोंगे में डलवाना ही नहीं। ये भी प्रारब्ध है। सो अमन आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं, जब तुम सोचोगे कि तुम साधना कर रही हो तो कंफ्यूजन होगी, सोचना गुरु आप करवाने आए हो ना तो सब ठीक ही होगा, चाहे वो सोलर प्लेक्स है, चाहे वो पिंक एनर्जी। और अंबाला वाले तो बहुत लकी हैं, अंबाला का तो हर संडे पर्सनल सेशन चल रहा है, तो आप लोग तो कितनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं एंजल से। ठीक है, कोई घबराहट नहीं। यस निर्जरा, देयर वाज अ क्वेश्चन। नो भाभी इट इज 6 ओके, पता नहीं मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने लिखा है कि प्लीज आस्क माय क्वेश्चन आल्सो, सो आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया होगा। मेन बात है, जब कोई घबराहट हो, जब कोई कंफ्यूजन हो, जब कोई द्वंद हो, जब कोई क्रोध हो, जब लगे पहले तो बड़ा आराम था, अब पता नहीं मन फिर से गुस्से में आने लग गया, विचलित होने लग गया, वापस वो वैसा सा होने लग गया जैसे पहले होता था, तो समझ लेना एक कमरे की सफाई हो गई, आराम मिला। दूसरा कमरा आपको पता ही नहीं था कितना कर्मों से भरा हुआ है, अभी उसका आराम मिला ही था, इतने में आपकी नजर दूसरे कमरे पे चली गई और उसमें ज्यादा गंद भरा हुआ है, तो साफ करना ही पड़ेगा। निर्जरा परिजया को भी कर दीजिए अनम्यूट। हाँ जी भाभी, हाँ एंड देन यू प्लीज, जया या जया अग्रवाल, जया जी प्लीज अनम्यूट करें। सब लोगों को मैं इसलिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने एक्सपीरियंसेस को ऐसे ना समझे कि हमें आता नहीं शेयर करना, बहुत सारी ब्लेसिंग मिल सकती है। हरि ओम जया, हरिओम जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना। मैं 1 सितंबर से कोर्स ज्वाइन करी हूँ, अच्छा और जब से मैं उठने लगी हूँ जून जुलाई में, मुझे नेहा सरिया जो बॉम्बे है, ओके उर्मिला भाभी जी, उन्होंने ज्वाइन कराया था। बट पहले तो मुझे 4 बजे उठने के नाम से ना बाबा पूरा दिन खराब हो जाएगा। That's so beautiful line. ना बाबा पूरा खराब हो जाएगा, बिल्कुल सही। बिकॉज मुझे उठने के बाद वापस नींद नहीं आती है हाँ सही बात। ना बाबा, पूरा दिन नहीं हूँ। लेकिन जब से 1 सितंबर से ज्वाइन करी हूँ, और अब तो मतलब अलार्म भी ऐसा लगता है नहीं लगाओ तो चलेगा, अपने आप ही नींद खुल जाती है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस जय। और जब से ये 2-3 दिन पहले शेयरिंग आई स्किन की, मुझे भी एक्जिमा था फिंगर्स में, तो मैंने नोटिस ही नहीं किया कि मेरा भी एक्जिमा ठीक हो गया, मुझे पता ही नहीं चला।
जब उन्होंने लिखा कि कट्स, तो मैंने देखा कि अरे ये सीजन में मुझे भी मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, ना मेरे स्किन पील हो रही है ना कुछ हो रहा है. तब मैंने मेरी फ्रेंड सीमा को भी बताया, सीमा मेरी तो मेरी भी हो रही, मुझे भी शेयर करने का बहुत मन करता है कि मैं करूँ कि मेरी भी स्किन, क्योंकि तो मुझे मॉर्निंग मेडिटेशन के टाइम पे इतनी इचिंग होती है. कभी मैं सीमा को बोली, सीमा मैं स्थिर ही नहीं बैठ पाती हूँ, मैं एक घंटा भी स्थिर नहीं बैठ पाती हूँ, कभी तो मुझे हिलना होता है, कभी मुझे इचिंग होती है. मैंने अपनी एंजल से भी शौर्या जो मिनी है उनसे शेयर किया था कि मैं स्थिर नहीं बैठ पाती हूँ, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से समझाया था कि नहीं आप सब हो जाओगे, अब ध्यान ही मत दीजिए उस तरफ में, अब मैं स्थिर बैठ पाती हूँ, मैं कर पाती हूँ. मेरी स्किन तो मुझे मतलब वैसे मिरेकल लगता है कि मेरे हाथों की किटक कैसे हो गया है, बस थोड़ा आइब्रोज के पास हल्का सा है. कितना दर्द होता है, आईब्रोज कितना ब्यूटीफुल शो करती है हमें, उसको कभी हमने थैंक यू नहीं बोला, जो आईब्रोज कराने में दर्द होता है ना उसको, वो फिर महीना हमें सुंदर दिखाती है. सो बात है कि वॉट आर वी सिलेक्टिंग, what are we selecting, are we selecting shukrana or are we selecting the small small things which disturb us, hai na. Jaya acha share kiya jaye. Jaya ji aap Kolkata se hain? Nahi main Mumbai se hu. Neha, acha Neha Sariya meri friend hai, unki mother in law aur wo meri family friend hai. Okay, hum bhabhi ki kuch lagti hai relatives. Yeah, we are missing our Kolkata members. Sharing ka benefit hota hai. आपकी आवाज क्रैक कर रही है. आई थिंक अब तो सिग्नल भी कह रहा है कि वी हैव टू क्लोज डाउन. वेरी नाइस शेयरिंग, सब लोग शेयर जरूर करें, जितना जितना आप लोग शेयर करें. अभी शेयर किया अलका ने कि मुझे तो रिलैक्स ही नहीं हुआ कि मेरा भी स्किन प्रॉब्लम ठीक हो चुका है. बहुत बहुत ब्लेसिंग हमें हर वक्त मिलती है. अपनी ब्लेसिंग्स को देखना सीखें, अपनी ब्लेसिंग्स को ब्लेस करना सीखें. मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी, मुझे झुकना आता, मुझे झुकना सिखा दो जी. प्रचोदयात मतलब हर वक्त परमात्मा से प्रार्थना करते रहो. ब्रह्मा विष्णु महेश हर पल प्रार्थना, शुक्राना प्रभु हमें सत बुद्धि देना. वही सबसे बड़ा गहना है, वही सबसे बड़ी दौलत है. तो कुछ है आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ. सबका मंगल, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो. शुक्राना शुक्राना शुक्राना.